हेलो एवरीवन, आई एम विजय कुमार एंड टुडे वी गोना सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 2352 टेकन फ्रॉम लीट कोड एंड प्रॉब्लम नेम इज इक्वल रो एंड कॉलम पेयर्स। ओके, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द टॉप 150 इंटरव्यू प्रॉब्लम्स इन लीट कोड एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज वी हैव गिवन एन इनपुट एरे। इनपुट एरे कैसा होगा? 2D एरे होगा अपना, और यू कैन से इंटीजर मैट्रिक्स इन विच वी नीड टू रिटर्न नंबर ऑफ पेयर। पेयर किस चीज़ के होने चाहिए? रो और कॉलम्स के होने चाहिए, ठीक है ना। सच डेट रो एंड कॉलम बोथ आर सेम, सो एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं इसको। सी, दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल एंड इन दिस एग्जाम्पल वी कैन सी आवर फर्स्ट कॉलम। दिस इज आवर फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली दिस इज आवर सेकेंड रो। देखो हम लोग यहाँ पर जीरो बेस्ड इंडेक्स को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जीरो बेस्ड इंडेक्स के हिसाब से ये हमारा कौन सा कॉलम होगा? पहला कॉलम, और ये होगा हमारा दूसरा रो। दोनों किसके इक्वल है? 2,7,7 के। सो नंबर ऑफ पेयर इज इक्वल टू 1। आवर आंसर इज 1 इन दिस केस। ओके, सो लेट अस मूव थ्रू द सेकेंड एग्जाम्पल। इन सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन सी दिस इज आवर फर्स्ट रो एंड सिमिलरली दिस इज आवर फर्स्ट कॉलम। बोथ ऑफ देम आर इक्वल, बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू 3, 1, 2 एंड 2। मेक सेंस? सिमिलरली कॉलम नंबर 2 एंड रो नंबर 2, बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू 2, 4, 2, 2। दूसरा पेयर ये बन गया, और तीसरा पेयर कौन सा बनेगा हमारा? तीसरा पेयर बनेगा हमारा कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 2, ठीक है ना, और रो नंबर 3। कॉलम नंबर 2 एंड रो नंबर 3, बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू 2, 4, 2, 2। सो नंबर ऑफ पेयर इन दिस केस इज इक्वल टू 3। आवर आंसर इज 3 इन दिस केस। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू यूज रोलिंग हैश टेक्निक एंड वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। देन आफ्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट अप्रोच। अप्रोच क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं, सारे रो और कॉलम एक एक करके ट्रैवर्स करते हैं। लेट अस सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्रैवर्सिंग इन रो नंबर 1। तो इसका कुछ एक पार्टिकुलर स्कोर हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। इसका कुछ एक हम लोग पार्टिकुलर स्कोर डिफाइन करेंगे, और इस स्कोर का हम लोग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते चलेंगे। इस स्कोर के फ्रीक्वेंसी को हम लोग फाइंड करते चलेंगे। लेट्स सपोज दिस देयर स्कोर इज इक्वल टू एक्स। सो नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। सपोज दिस इज इक्वल टू वाई, देयर स्कोर इज इक्वल टू वाई। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 इन दिस केस। जब हम लोग रो में ट्रैवर्स कर रहे हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं, यानी सुन ना। अब हम लोग क्या करेंगे? कॉलम के साइड में ट्रैवर्स करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रैवर्स अलोंग आवर कॉलम। अगेन वी नीड टू कैलकुलेट आवर स्कोर। अगेन क्या करेंगे हम लोग? स्कोर कैलकुलेट करेंगे, और जो भी स्कोर आया, मान लेते हैं कहीं पर एक्स हमारा आ गया फिर से स्कोर, एक्स स्कोर हमारा फिर से आ गया, जो कि हमारा रो नंबर 1 में आ चुका है ऑलरेडी। कॉलम नंबर 1 का भी स्कोर एक्स ही होगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इक्वल। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? आंसर में ऐड कर देंगे इसका फ्रीक्वेंसी, आंसर में ऐड कर देंगे उसके फ्रीक्वेंसी को, जो कि इक्वल था किसके बराबर? 1 के इक्वल, ठीक है ना। इसका मतलब एक पेयर हमारे पास फाइंड हो गया ऑलरेडी। ध्यान रखना है, रो और रो में कभी भी मीन्स पेयर नहीं बनना चाहिए। कभी भी पेयर बनेगा तो रो और कॉलम में, ठीक है ना। पेयर बनेगा कभी भी तो रो और कॉलम में अलग अलग। सो लेट अस मूव थ्रू द सॉल्यूशन। हेयर वी आर क्रिएटिंग अनऑर्डर्ड मैप, और यू कैन से हैश मैप, इन विच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर रो, ठीक है ना। हम लोग सारे रो का अलग से हम लोग फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। सारे फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लेते हैं दिस वन। सो इस केस में देखो होता क्या है, कोई भी एक प्राइम नंबर, ध्यान रखना कोई भी एक प्राइम नंबर, लेट सपोज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2। सो इस केस में हमें क्या करना है? हमारा जो करेंट स्कोर था, उसको हम लोग कोई एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्राइम नंबर को हर एक बार एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते चलेंगे। लेट सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल आवर प्राइम नंबर इज 2, अनदर टाइम्स क्या होगा? 2 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 हो जाएगा, ठीक है ना।
तीसरा बार क्या होगा, 8 हो जाएगा, 16, 32, 64, 128 लाइक दिस. ओके, सो इन एवरी केस वी आर गोइंग टू टेक अवर मॉड, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि ये इंटीजर के रेंज को एक्सीड कर जाए. तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मॉड लेते चलेंगे. और किससे मॉड लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू व्हिच आर प्राइम, वो कौन सा है, 1e9 व्हिच इज इक्वल टू 10^9 प्लस 7. किसके इक्वल होगा, 1e9 प्लस 7 के इक्वल. सो उससे हम लोग क्या करते चलेंगे, हर एक बार मॉड लेते चलेंगे. ठीक है, ये हमारा हो गया रो के अकॉर्डिंग. जब हम लोग रो के अकॉर्डिंग मूव कर रहे थे उस वक्त हम लोग फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लिए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू ट्रेवर्स अलोंग द कॉलम. अब हम लोग क्या करेंगे, कॉलम के अलोंग ट्रेवर्स करेंगे और फिर से क्या करेंगे, सारे कॉलम का हम लोग फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे. सारे कॉलम के फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंड सिंपली ऐड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू. जो भी हम लोग इस बार वैल्यू कैलकुलेट किए हैं उसका जो भी फ्रीक्वेंसी था रो वाले में, उस फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, ऐड करते चलेंगे. सीन लाइन नंबर 23, वी गोना ऐड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वैल्यू इन आवर आंसर. फाइनली वी विल रिटर्न आवर आंसर. सो लेट अस रन आवर कोड. या सो आवर कोड हैज बीन एक्सेप्टेड. सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग कोड और एनीथिंग और ऑन हुच टॉपिक ऑन हुच क्वेश्चन वी हैव टू मेक वीडियो इन नेक्स्ट पार्ट, सो प्लीज सजेस्ट इन कॉमेंट सेक्शन. सो या थैंक यू फॉर नाउ.